में वांछित अभियुक्त को बांसडीह पुलिस ने किया गिरफ्तार। अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी बरामद। घटना के दिन ही घटना में शामिल 3 अन्य अभियुक्त हुए थे गिरफ्तार। खबर जनपद बलिया से। पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धर पकड़ के सघन अभियान में हत्या के प्रयास में वांछित अभियुक्त को बांसडीह पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बलिया पुलिस द्वारा जारी बयान के अनुसार विजय शंकर वर्मा उर्फ भोला वर्मा निवासी खरौनी थाना बांसडीह जनपद बलिया द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया था कि 7 सितंबर 2024 शाम करीब 8:30 पर पारिवारिक विवाद को लेकर थाने पर प्रशासन के उपस्थिति में समझौता हुआ था। जितेंद्र वर्मा पुत्र उमा शंकर वर्मा पुत्र स्वर्गीय भगवत, रमा शंकर पुत्र भगवत व प्रदीप सिंह पुत्र गोरख सिंह निवासी खरौनी ने अचानक गोलबंद होकर मेरे ऊपर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया। जितेंद्र वर्मा ने टांगे से मेरे ऊपर हमला किया तथा अन्य द्वारा लाठी डंडे से जान से मारने की नियत से बुरी तरह पीटा गया, जिससे मुझे गंभीर चोटें आई, जिसके संबंध में बांसडीह थाने हत्या के प्रयास में मामला पंजीकृत किया गया। घटना के दिन ही बांसडीह पुलिस द्वारा 3 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा जा चुका है। इसी क्रम में मुखबिर खास की सूचना पर आज वांछित फरार अभियुक्त जितेंद्र वर्मा पुत्र उमा शंकर वर्मा निवासी खरौनी थाना बांसडीह जनपद बलिया को बांसडीह चौराहे के पास से पूर्वाह्न 10:45 पर बांसडीह पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया गया। अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी भी बरामद कर ली गई है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय भेज दिया गया। ऐसी ताज़ा खबरों के लिए बने रहे भारत मीडिया के साथ। भारत मीडिया के लिए बलिया से घनश्याम शर्मा की रिपोर्ट।